कॉन्सेप्ट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। आप मैंने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर दिया था, जिसे मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल लिया था। आज मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है जिससे मैं टाइम एंड वर्क को 90% कंप्लीट कर सकता हूँ। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। राजू कैन डू ए पीस ऑफ अटेंडेंस। राजू किसी काम को 10 दिन में करता है, विक्की उसी काम को 12 डेज में करता है, और टिंकू उसी काम को 15 डेज में करता है। राजू काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद काम से हट जाता है, विक्की काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो हमारा वर्क जो है कितने दिनों में कंप्लीट होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट परसेंटेज मेथड, सेकेंड एलसीएम मेथड। जल्दी सेकेंड मेथड में आपके 2 टाइप होंगे, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। थर्ड मेथड जो है वो है फ्रैक्शन मेथड। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज मेथड से। इससे पहले बता दूं, मैं इनको इतने मेथड से इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में किसी प्रकार भी क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज से आ जाए, फ्रैक्शन से आ जाए, आप उस क्वेश्चन को कर सकें। यहां पे हम लोग फर्स्ट से शुरुआत करेंगे परसेंटेज। हमारा जो पर्सन है वो है राजू, टाइम, विक्की एंड टिंकू। राजू किसी काम को 10 दिन में करता है, तो टाइम को हम लोग डे में ले लें, विक्की उसी काम को 12 दिन में, और टिंकू उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। यहां पे हम लोग टोटल वर्क लिखेंगे। जल्दी यहां टोटल वर्क जो मैंने लिखा है, ये परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज में टोटल वर्क हम लोग 100% ही मानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को, मैं पहले लेक्चर में बताया है, किसी भी चीज को हम लोग कितना भी डिवाइड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको एड अप करेंगे तो टोटल 100% ही होगा, तो यहां वर्क हम लोग 100% मानेंगे। वर्क पर टाइम, टाइम हमारा डे में है, तो वर्क पर डे। अच्छा, राजू किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना परसेंट वर्क करता है, तो 100/10 इज इक्वल टू 10%। विक्की का एक दिन का वर्क कितना होगा, 100/12 8.66%। टिंकू का एक दिन का वर्क 100/15 6.66%। अब हमारे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि राजू, विक्की और टिंकू तीनों मिलकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं, 2 दिन बाद, टू डेज बाद राजू उस काम को छोड़ देता है, तो विक्की और टिंकू काम कर रहे हैं इस समय। इस क्वेश्चन में लास्ट में कहा है कि विक्की उस काम को खत्म होने के 3 दिन पहले हट जाता है, तो लास्ट में ओनली टिंकू ही काम कर रहा है 3 डेज। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया क्वेश्चन का। हम मान लेते हैं विक्की और टिंकू ने एन डेज काम किया। हम यहां वापस आते हैं, यहां देखते हैं कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना वर्क कर लेंगे, 10 + 8 + 6 अप्रोक्सीमेट 25% होगा। ये राजू, विक्की प्लस टिंकू एक दिन में 25% वर्क कर सकते हैं, तो 2 डेज में कितना वर्क कर सकते हैं, 25% × 2 50%। अच्छा, हम लोग टिंकू के पास आते हैं,
टिंकू एक दिन में 6.66% ड्रॉप कर सकता है, तो 3 डेज में कितना ड्रॉप कर सकता है? 3 × 6.66% इज इक्वल टू 20% के लमसम आएगा। ठीक, हम लोग अब यहां पर आते हैं। अच्छा, 20% वर्क टिंकू ने कर दिया, 15% वर्क यहां पे हो गया, तो अब वर्क बचा कितना है? 100 - 50 - 20, तो वर्क रिमेनिंग जो है वो है 30%। तो 30% वर्क है वो विक्की और टिंकू मिलकर करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 30% इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर हम लोग विक्की और टिंकू का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं, तो 8.66 + 6.66% इनका एड अप होगा 15%। तो 15% विक्की और टिंकू एक दिन में काम करते हैं, तो एन डेज में कितना वर्क करेंगे? यहां पे 30% को पता है रिमेनिंग है, तो एन आ जाएगा 30% / 15% टू। हमारा आंसर आ चुका है। हम अगर इसको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मान ले, तो पार्ट ए में 2 डेज वर्क हुआ, पार्ट बी में 2 डेज वर्क हुआ और पार्ट सी में 3 डेज हुआ, तो 2 + 2 + 3 = 7 डेज। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड की मदद से देखते हैं। सेकेंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप, इसका नाम ही है एलसीएम मेथड, मतलब कि जो 3 वैल्यू दी हुई है 10, 12 और 15, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेने का सिंपल तरीका है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है 15, उसका हम टेबल पढ़ते हैं। 15 × 15, 15 × 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 60 को 12 भी डिवाइड कर सकता है और 10 भी, मतलब 60 इसका एलसीएम होगा। ठीक, यहां पर अब हम लोग निकालेंगे कि राजू 60 वर्क 10 डेज में करता है, तो 1 डेज में कितना वर्क करता है? 60 / 10 = 6। आप इस तरह ले सकते हैं कि राजू 60 दिन में 10 बाल्टी पानी भरता है, तो एक दिन में कितनी भरेगा? एक दिन में 6 बाल्टी, मतलब 10 दिन में 60 बाल्टी पानी भरता है, तो एक दिन में 6 बाल्टी। अब विक्की का लेते हैं 60 / 12, 5 और 60 / 15, टिंकू का 4, ये एक दिन में इतना वर्क करता है। अगर राजू, विक्की और टिंकू तीनों मिलकर काम करें, तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं या कितनी बाल्टी भर सकते हैं? 6 + 5 + 4 = 15, तो हमारा वर्क कितना हो गया? 15 वर्क पर डे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन वही है कि राजू, विक्की और टिंकू किसी काम को एक साथ 2 दिनों तक करते हैं, उसके बाद राजू काम छोड़ के चला जाता है और विक्की और टिंकू उस काम को करते हैं। लास्टली विक्की भी 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है, मतलब लास्ट के 3 डेज टिंकू ही काम कर रहा होता है। तो यहां फिर से निकालते हैं कि राजू, विक्की एक दिन में 15 काम करते हैं या 15 बाल्टी भरते हैं,
तो दो दिन में कितनी बाल्टी भरेंगे, 15 × 2 = 30। यहां हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे वर्ड और डेज को, वरना लास्ट में कंफ्यूजन होगा, जो आंसर आया वो डेज है कि वर्ड है। अच्छा हम लोग यहां पर आते हैं, टिंकू एक दिन में चार काम कर सकता है, चार बाल्टी भर सकता है, तो तीन दिन में कितना काम कर सकता है, 4 × 3 = 12। ठीक, अब रिमेनिंग वर्ड हम लोग निकालते हैं, हम इसको पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। पार्ट ए में कितना वर्क हो चुका है, 30। पार्ट सी में कितना वर्क हो चुका है, 12। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 18। रिमेनिंग वर्क हमारे पास 18 आ चुका है। अब हम फिर से यहां देखते हैं, यहां विक्की और टिंकू काम कर रहे हैं, तो विक्की और टिंकू एक दिन में कितना मिलकर काम कर सकते हैं, 5 + 4 = 9। तो यहां मान लेते हैं कि इन्होंने n डेज वर्क किया, n डेज में रिमेनिंग वर्क इन्होंने किया है 18 और एक दिन का इनका वर्क है 9, तो n = 18/9 = 2 days। हमारे साथ का दोस्तों, हम लोग इसी काम को दूसरे मेथड से करते हैं, सेकंड टाइप से, एलसीएम सेकंड टाइप। दोस्तों हमारा मेथड वही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि हम लोग जो विक्की को 3 दिन पहले काम छोड़ा दे रहे, या क्वेश्चन का आंसर विक्की 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहे, तो हम विक्की से 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, हम विक्की को मतलब हम यहाँ काम छोड़ने नहीं देंगे। आप लोग यहां से देखिए, विक्की से हमने 3 दिन एक्स्ट्रा और काम करवाया, तो विक्की ने 3 दिनों में कितना काम किया, विक्की एक दिन में 5 वर्क करता है, तो 3 डेज में कितना करेगा, 5 × 3 = 15। मतलब 3 डेज में विक्की 15 वर्क कर लेगा, मतलब 15 है इसमें ऐड कर दे, जितना हमारा टोटल वर्क है उसमें 15 ऐड कर दे, कितना आ जाएगा, प्लस 15 = 75। मतलब यहां पर पार्ट सी में विक्की और टिंकू मिलके काम कर रहे हैं, ये मैंने मान लिया। हम फिर से निकालते हैं कि 2 डेज का वर्क इनका कितना है, 15 × 2 30 वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क हम उसमें से निकालेंगे, -30 मतलब 45। 45 जो वर्ड बचा है वो हमारा पार्ट बी प्लस सी दोनों का मिला के है, क्योंकि अब हम लोग यहां से यहां तक का वर्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक हम लोग ने मान लिया है विक्की और टिंकू मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क हमारा 45 डेज है, रिमेनिंग वर्क हमारा 45 है, हमने मान लिया ये एक्स डेज में कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं विक्की और टिंकू मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। तो 9 × x, x की वैल्यू आ गई 45/9 = 5। ठीक, तो 5 डेज आपका रिमेनिंग वर्क को करने का डेज आ गया है, तो 3 डेज ऑलरेडी यहां पे है, तो मतलब 5 - 3, यहां पे जो n की वैल्यू होगी 5 - 3 = 2 days। तो हमारा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, हम यहां से भी ऐड कर देते हैं, 5 + 2 = 7 days। ठीक है दोस्तों, हम लोग लास्ट मेथड पे आते हैं, लास्ट मेथड है हमारा फ्रैक्शन मेथड।
फ्रैक्शन मेथड में दोस्तों हम लोग टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं। फ्रैक्शन का जनरली मतलब है 1/2, 1/3, 1/4। जनरली हम एक सर्कल ले लें, उसका कितने भी पार्ट कर दें, एड अप करने पर 1 ही आएगा। एड अप करने पर 1 है, इसलिए हम यहां पे टोटल वर्क 1 ले लें। फिर से हम लोग आते हैं, इस समय टोटल वर्क 1 है, तो हम निकालते हैं कि राजू एक दिन में कितना वर्क कर सकता है, 1/10। विक्की एक दिन में कितना वर्क कर सकता है, 1/12। और टिंकू 1/15। तो राजू, विक्की और टिंकू का हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं एक दिन का, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। 6 + 5 + 4 = 15/60 = 1/4। तो हमारे राजू, विक्की और टिंकू एक दिन में 1/4 वर्ड पर डे आएंगे, एक दिन में कितना वर्ड पर। वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। राजू, विक्की एंड टिंकू किसी काम को 2 दिन तक करते हैं। राजू काम छोड़ के चला जाता है, तो विक्की और टिंकू उस काम को करते रहते, मान लिया एन डेज तक। लास्ट में काम खत्म हो 3 दिन पहले विक्की काम छोड़ देता है और टिंकू उस काम को करता है 3 डेज तक। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर एक दिन में 1/4 वर्क करता है तो 2 डेज में कितना करेंगे, 1/4 × 2 मतलब हाफ वर्क वो 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, टिंकू अकेला 3 डेज में कितना करेगा, 3 × 1/15 इज इक्वल टू 1/5। ठीक, हमारा पार्ट ए का वर्क आ चुका है और पार्ट सी का, पार्ट बी का वर्क रिमेनिंग है, तो हम लोग पार्ट बी का वर्क देखते हैं। 1 रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए पार्ट ए और सी को माइनस कर देंगे, 1 - 1/2 + 1/5। तो हमारा टोटल वर्क बचा है 3/10, रिमेनिंग वर्क हमारा 3/10। हम लोग विक्की और टिंकू का एक दिन का वर्क निकालते हैं, कितना आएगा, 1/12 + 1/15 = 60 = 5 + 4 = 9/60। विक्की और टिंकू का वर्क पर डे, तो 9/60 अगर वो एक दिन में काम करते हैं तो n डेज में रिमेनिंग वर्क करेंगे 3/10। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, n इक्वल टू 3 × 6/9 2 डेज। हमारा आंसर आ चुका है 2 डेज। हेलो दोस्तों, यहां मैं अपने तीनों मेथड बता चुका हूं। आप अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें कॉन्सेप्ट्स अकेडमी ऑनलाइन पोर्टल।